हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले मिक्स वेज, लेकिन कुछ अलग तरीके से। जो चीज़ के अंदर इस्तेमाल की उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी भी ज़्यादा कर दी तो अलग टेस्ट आएगा। और सेम टू सेम रेसिपी फॉलो करेंगे ना तो बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर आता है, बिना किसी दही बिना किसी क्रीम का इस्तेमाल किए हुए। और उसके साथ में बनाएंगे बहुत ही टेस्टी से पराठे। तो चलिए देखते हैं हमने इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से बनाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले पराठे के लिए आटा बना के रख देते हैं डो। तो यहाँ पे 1.5 कप ने गेहूं का आटा लिया है, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा और क्रिस्पीनेस के लिए 1/2 कप चावल का आटा, बिल्कुल महीन वाला चावल का आटा होता है ना, वो इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा नमक डाल के सारी चीज़ अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले डो बना के रख लेंगे, उसके बाद में सब्ज़ी की प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे हमने पानी लिया इस बोल के अंदर, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाली है। आप सोच रहे हैं ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, थोड़ी बहुत डस्ट होती है ना तो नीचे बैठ जाती है। और थोड़ी क्वांटिटी में कसूरी मेथी इस्तेमाल करनी है, तो ऐसे ही आप सूखी ड्राई इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से ऊपर ऊपर की जो मेथी है ना वो निकाल के हम इस आटे के अंदर डाल देंगे। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जैसे कि हम लोग पराठे के लिए गेहूं का आटा का जो डो बनाते हैं, बिल्कुल सेम हमें सेमी सॉफ्ट डो बना के रेडी कर लेना है। और इसको हम रख देंगे डो बना के साइड में। आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी बच गया है, पूरा 1 कप पानी नहीं इस्तेमाल होता है। इसको रख देते हैं रेस्ट करने के लिए, तब तक हम सब्ज़ी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। उसके बाद में बनाएंगे अपने बहुत ही टेस्टी से पराठे। इसको हमने कवर करके रख देना है। तो चलिए बहुत ही टेस्टी से मिक्स वेज बनाते हैं। यहाँ पे इसको बनाने के लिए एक बोल में हमने 1 शिमला मिर्च काट ली कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं पीसेस थोड़े से बड़े हैं, जैसे चिली पनीर के लिए पीसेस काटते हैं ना, सेम वैसे ही आपको काटना है। और यहाँ पे हमने 1 प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, 1/2 प्याज को इस तरीके से आपको पीसेस कट करने हैं बड़े साइज़ के, और 1/2 प्याज चॉप कर लेना है आपको। यहाँ पे 2 छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं हमने। टमाटर की हमें प्यूरे बनानी है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐड करेंगे, मीन्स थोड़ा सा हरी मिर्च ऐड कर देंगे, जितना भी आपको स्पाइसी पसंद है। यहाँ पे लहसुन की क्वांटिटी में थोड़ी सी ज़्यादा रखी, बड़े साइज़ के जो लहसुन होते हैं वो हमने डालने, 6 से 7 कली, 1 इंच अदरक डाल के सारी चीज़ों का हमें पेस्ट बना लेना है। और ये देखिए हमारी टमाटो प्यूरे बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसको हम रख देते हैं। दूसरी तरफ हमने गैस को गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, जो हमने प्याज पहले काट के रखा था वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसे सौते करेंगे, उसके बाकी की वेजिटेबल्स डालेंगे। और जाड़ों के टाइम में बहुत ही वैरायटी की वेजिटेबल्स आती है, जो भी आपको पसंद है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 1 कप ने गोभी डाली है, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। गोभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो सब्ज़ियाँ हैं ना बहुत ज़्यादा नहीं पकानी, मतलब बिल्कुल गलानी सी नहीं है, हल्की सी क्रंचीनेस रहती है ना सब्ज़ियों में, वो बहुत अच्छी लगती है खाने में। इसको हमें बाकी की इसमें वेजिटेबल्स डाल देते हैं, पीज, और यहाँ पर हमने कॉर्न का इस्तेमाल किया है 1/2 कप, वो भी सिर्फ। सारी चीज़ें हमने बिल्कुल अनुपात में डालनी, मीन्स अगर कॉर्न बहुत ज़्यादा डालेंगे तो सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मिठास आएगी, क्योंकि कॉर्न बहुत मीठा होता है। इसको हमें कवर करके रख देना है। और यहाँ पे वेजिटेबल हाफ कुक हो गई हैं, इसके अंदर अब ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हमें ढककर बिल्कुल भी नहीं पकाना है, पकाने से क्या होगा ना इसका कलर चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, फिर वो खाने में नहीं अच्छी लगती। हल्की सी क्रंचीनेस जो शिमला मिर्च में रहती है उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो 1 मिनट के लिए आपको सिर्फ सौते करना है, और इसको हम निकाल के रख लेंगे एक बोल के अंदर। हमारी मिक्स वेज का जो एक बेस होता है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसकी बनाएंगे मसाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, जो हमने चीज़ इस्तेमाल की उसकी वजह से। चलिए देखते हैं हमने इसको किस तरीके से बनाया है। तो हमने इसको बोल में निकाल के रख लिया है फिलहाल। और यहाँ पे पैन हमारा ऑलरेडी गर्म हो चुका है, इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब 1/4 टीस्पून जीरा हमने इस्तेमाल किया है, थोड़ी सी हमने खड़ी काली मिर्च इस्तेमाल की। अगर आपको काली मिर्च पसंद है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। और यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का जो पेस्ट हमने बना के रखा है वो हमने इस्तेमाल किया, जैसे कश्मीरी लाल मिर्च आती है ना, जिसकी वजह से स्पाइसीनेस में तीखी बिल्कुल भी नहीं होती सब्ज़ी, बस अच्छे से रंग के लिए आप डाल सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे 1/2 हमने प्याज जो बारीक काट के रखा हुआ था ना वो हमने ऐड कर लिया है। और हमें प्याज को थोड़ा सा भून लेना है, इसका कलर चेंज हो जाएगा, हल्का सा लाइट ब्राउन सा हो जाएगा, उतना हमें भून लेना है। 2 से 3 मिनट लगते हैं भूनने में सिर्फ मीडियम फ्लेम पर। नमक डाल देंगे जिससे प्याज थोड़ा सा जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा, जल्दी से भुन जाएगा फिर। और इसको भूनने के लिए सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे, जब प्याज का कलर चेंज हो जाए, हल्का सा ब्राउन सा हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी, 1/4 टीस्पून हमने हल्दी का इस्तेमाल किया है यहाँ पर।
आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। इन सारे मसालों को 30 सेकंड्स के लिए हमें भून लेना है मीडियम फ्लेम पर। और अब इसमें ऐड करेंगे अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करनी है, और जितना हम यहाँ पे बता रहे हैं इस रेसिपी के हिसाब से उतना ही आपको इस्तेमाल करना है, उससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 1 टीस्पून आप देख सकते हैं बिल्कुल भर के हमने यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल किया है, और बेसन को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है, कच्चापन इसके अंदर बिल्कुल भी ना रहे। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी जितनी हिसाब से हमने प्याज लिया था, उस हिसाब से आप जो मसाले की क्वांटिटी आप देख सकते हैं कितनी हो रही है, और हमने यहाँ पे कितनी वेजिटेबल्स इस्तेमाल किए हैं, बस उतने ही आपको बेसन इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ध्यान में रखना है, जितनी हमने रेसिपी के हिसाब से जितना बेसन की क्वांटिटी ली है सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करना है। अगर आप सोच रहे हैं बेसन बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है, भूनते टाइम पे 2-3 चम्मच और ऐड कर देते हैं, तो जब सब्ज़ी बनके रेडी होगी ना, तो मिक्स वेज की जगह लगेगा बेसन की कोई सब्ज़ी खा रहे हैं, तो वह खाने का टेस्ट बिल्कुल अलग चेंज हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बेसन यहाँ पर 1 टीस्पून भर के हमने इस्तेमाल करना है सिर्फ, और इसको अच्छे से हमें भून लेना है ताकि बेसन का कच्चापन निकल जाए, कम से कम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, और उसके बाद हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी मसाला पनीर की रेसिपी शेयर कर चुके हैं, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। इसके अंदर क्रीम, दही कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से बनाई, आपको बहुत पसंद आएगी, स्पेशली विंटर्स में बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा हमने इसको किस तरीके से बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो प्यूरे बिल्कुल रेडी हो चुका था, टमेटो प्यूरे, वो अब डाल देंगे बेसन को भूनने के बाद में एकदम, और इसको हमें अच्छे से पका लेना है थोड़ा सा। जब ऑयल छोड़ देगा ना मसाला, उतनी देर तक आपको कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पर पकाने में। इसको कवर करके रख देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी छिट्टियाँ बाहर आती है ना इस वजह से। तो यहाँ पर टमेटो प्यूरे डालने के बाद में आपको इसका कलर थोड़ा सा लाइट लगने लगेगा देखने में, लेकिन जैसे आप इसे भूनेंगे ना 1-2 मिनट और, जब ऑयल थोड़ा सा रिलीज़ हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है, जो कि देखने में और खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देते हैं, क्योंकि नमक हमने अभी इसमें ऐड नहीं किया है बिल्कुल भी। तो नमक डालने के बाद में 1-2 मिनट और से भून लेंगे, इसको स्टर करते रहेंगे, क्योंकि बेसन डाला है ना तो नीचे चिपकने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल थोड़ा सा रिलीज़ हो गया साइड में। अब इसमें अपनी हाफ कुक जो वेजिटेबल्स हमने रेडी करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और यहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ऑलरेडी ज्वार बाजरा रागी की रोटी शेयर कर चुके हैं इस रेसिपी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, कुछ अलग तरीके से बनाई। इस रेसिपी को आप जरूर देखिएगा हमारे इस मिक्स वेज की वीडियो देखने के बाद में, आपको बहुत पसंद आएंगी। तो यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स डाल दिए, अब इन्हें ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पे सब्जियाँ डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेना है, और कवर करके हमें पका लेना है सिर्फ 2 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम के बीच में। और आप पूरी प्रोसेस में देख सकते हैं हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है सब्ज़ी के अंदर। बस 2 मिनट के बाद में हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में थोड़ा सा एकदम लास्ट में धनिया इस्तेमाल कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर एकदम लास्ट में कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है फिर खाने में। धनिया डाल के अच्छे से मिक्स करने के बाद में बस सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी मिक्स वेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, क्रीमी सा टेक्स्चर रहता है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप भी रेसिपी को सेम टू सेम ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये भी। और अब चलिए बनाते हैं अपने बहुत ही टेस्टी से पराठे इसके साथ में खाने के लिए, जो कि दोनों कॉम्बिनेशन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे आटा आप देख सकते हैं अच्छे से रेस्ट कर चुका है, जो हमने चावल का आटा डाला था अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाता है। और इसके हमने यहाँ पे लोई बना ली है, 5 हमने पराठे बनाने हैं इसमें, और आप चाहें तो मीडियम साइज़ के या छोटे साइज़ के इस टाइप के बनाने वैसे आप बना सकते हैं। और यहाँ अपने घी अप्लाई कर लेना है, इस तरीके से पूरी बेलने के बाद में एक तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे, और वापस यहाँ पे घी लगाएंगे हम, और इसको वापस से फोल्ड कर देना है। और बस जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें इसको बेल लेना है, हल्का सा मोटा, बहुत पतला भी नहीं ना ही बहुत मोटा, हल्का सा सूखा आटा लगा के इसे हम बेल लेंगे। बस हमारा आप देख सकते हैं अच्छा सा पराठा बन के रेडी हो चुका है। हमारा पैन ऑलरेडी, तवा ऑलरेडी गरम है, और इसको मैं दोनों तरफ अच्छे से घी लगा के लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है मीडियम फ्लेम पर। और ये पराठा ना बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें कसूरी मेथी डालते हैं ना, इसकी वजह से टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा चावल के आटे की वजह से बहुत ही क्रिस्पी भी बनता है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इस पराठे को और ये सब्ज़ी को, आपको बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
हमारे चैनल कुक विद शिवा को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी परतें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही क्रिस्पी पराठा रेडी होता है बनके। और साइड में प्लेलिस्ट आ रही है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं, आपको कई सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी जो कि आपको बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अभी आपको मसाला पनीर भी देखनी है और जो हमने ज्वार बाजरा की रोटी बताई थी वो भी आपको देखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।